नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सिटी पुलिस ने मुखबिर से सूचना पर रात्रि जेल रोड के सामने एक नाबालिग किशोरी के साथ विवाह संपन्न होने जा रहा था। विवाह होने से पहले ही सिटी थाना पुलिस ने विवाह रोक दिया, साथ ही दूल्हा और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल उप निरीक्षक थाना सिटी और महिला बाल विकास अधिकारी बबीता धाकड़ ने की। जांच शुरू की तो पाया गया कि जिस लड़की की शादी होने जा रही है और अभी नाबालिग है, जो कि जांच में नाबालिग सिद्ध हुई है। आपको बता दें, नाबालिग किशोरी को महिला बाल विकास अधिकारी ने अपने सुपुर्दगी में लेकर ग्वालियर ले गई, जहां महिला बाल विकास के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने नाबालिग लड़की और दूल्हे को पेश किया जाएगा और डॉक्टरों के पैनल से लड़की की आयु का सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद तय होगा कि लड़की को कहां रखा जाए। डबरा से संवाददाता सुनील सिंह रजावत की रिपोर्ट। आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है? फिलहाल शादी रुकवा दी गई है और इसको ऐसी स्थिति में अपन बच्ची को सुपुर्द में दे रहे हैं और आज इसको CWC के समक्ष पेश किया जाएगा। CWC की टीम तय करेगी कि इसको शेल्टर होम में रखना है या अनुचित रहे जो भी हमारी बालिकाओं के लिए चल रहे हैं उनमें रखना है या फिर परिजनों को सुपुर्द। लड़के को लेकर क्या एक्शन लिया आपके द्वारा? लड़के को लेकर ये भी डिसीजन CWC ही लेगा, क्योंकि फिलहाल शादी हुई नहीं है। यदि शादी हो जाती तो क्राइम बनता, फिर हम दोनों के विरुद्ध FIR करते। क्योंकि शादी रुक गई है, ऐसी स्थिति में हम चूँकि बच्चे नाबालिग है तो उसको लेते हैं CWC में समक्ष पेश करेंगे। सर, नाबालिग किशोरी की जो शादी को लेकर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या आरोप प्रत्यारोप है, थोड़ा सा बताएं। रात को ही करीब 11:30 के करीब मेरे पास कॉल आया और 100 पे भी आया कि जेल के पास जो मंदिर है वहां पर किसी नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। तो हम उक्त स्थान पे तुरंत ही फ़ोन मिलते ही पहुंचे। वहां पे देखा तो कुछ लोग बैठे हुए थे और हमने जब पूछताछ करी तो उनका आने का उद्देश्य वहाँ पर विवाह का था, पर विवाह संपन्न नहीं हुआ था, जिस पर से हमने उनको वहाँ से थाने पे लाए और बच्ची से पूछा और इनसे पूछताछ करी तो विवाह उनका उद्देश्य था वहाँ आने का। फिर इस संबंध में हमने महिला बाल विकास अधिकारी ग्वालियर को यहाँ पर सूचित किया। सुबह आए, पूरी जाँच करी, महिला से पूछताछ करी और उसके बाद अभी यहाँ पूरी प्रक्रिया पंचनामा बनाने के पश्चात महिला को वन स्टॉप सेंटर और आगे के लिए ग्वालियर के लिए। आरोपी को लेकर क्या कार्रवाई की गई? आरोपी के लिए इसमें डिसीजन ग्वालियर से होगा, जो CWC है, उसके बाद जब तक कि इसको हमें